हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी शॉर्ट्स। तो हमने स्टार्ट किया है एनिमल किंगडम की सीरीज, आपकी बीएससी लेवल की, जिसमें हम आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ले चुके हैं। सेकंड, हम फाइलम पॉरिफेरा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके आपके जनरल कैरेक्टर्स। और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल स्काइफा, ठीक है। फिर हम फाइलम निडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम निडेरिया के एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ओबेलिया को, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है सी फर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओबिलिया क्या है आपका? ओबिलिया का कॉमन नेम है सी फर। ये आपका टाइप ऑर्गेनिज्म है फाइलम निडेरिया का। क्यों? क्योंकि इट इलस्ट्रेट टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो क्या है? फर्स्ट इज योर पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड इज योर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये ओबेलिया जो है वो आपका मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ये होती है आपकी मेड्यूसा फॉर्म और ये वाली होती है आपकी पॉलिप फॉर्म। सो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि जब एक ही लाइफ साइकिल में वो ऑर्गेनिज्म आपकी दोनों फॉर्म में ऑल्टर करे तो वो होता है आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। सो हैबिटेट की अगर हम बात करें ओबिलिया की, सो ये मैराइन एनिमल है, ये आपकी सी में मिलता है, फाउंड इन ऑल सीज। हैबिट्स की बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है कॉलोनी फॉर्म में, ये आपका सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है आपकी कॉलोनी फॉर्म में। ये क्या होता है? सिडेंटरी मतलब ये फिक्स रहता है आपके किसी एक सब्सट्रेटम से। ये कार्निवोरस होता है मतलब ये फीड करता है किस पे? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे। ये क्या करता है? ल्यूमिनिसेंट है ये लाइट इमिट करता है। लाइट कैसे इमिट करता है? लाइट प्रोड्यूस होती है आपके ग्रेन्यूल से जो प्रेजेंट होते हैं आपके पॉलिप में या हाइड्रोक्लाइड में। पॉलिप और हाइड्रोक्लाइड क्या होते हैं ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी कॉलोनी ऑफ ओबिलिया। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ये एग्जिस्ट करता है कॉलोनी फॉर्म में। सो इसकी कॉलोनी कैसी होती है? पहले तो कॉलोनी जो है वो फर लाइक अपियरेंस देती है। फर मतलब ये देखो, ये इसी वजह से तो ये भी आपका ऐसे बनेगा जब डेवलप हो जाएगा ये भी। तो इस फर लाइक अपियरेंस की वजह से इसको क्या बोला जाता है? सी फर, ठीक है। सो कॉलोनी आपकी कंसिस्ट होती है दो ब्रांचेस की। पहली होती है हाइड्रो हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं हाइड्रो राइजा। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, ठीक है, ब्रांच है जिसको बोलते हैं हाइड्रो राइजा। फिर होती है एक वर्टिकल ब्रांच जिसको बोलते हैं हाइड्रो कॉलस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ब्रांच को बोला जाता है हाइड्रो राइजा और आपके वर्टिकल ब्रांच को बोला जाता है हाइड्रो कॉलाई या फिर सिंगुलर है तो हाइड्रो कॉलस, ठीक है। जो आपकी हाइड्रोराइजा होती है वो आपकी कॉलोनी को फिक्स करके रखती है किससे? सबस्ट्रेटम से। और वहीं आपकी वर्टिकल हाइड्रोकोलाइज जो होते हैं वो आपकी आपकी पॉलीफॉर्म बनाती है फर्दर, ठीक है। तो अराइज फ्रॉम हाइड्रोराइजा से अराइज करती है, ये आपकी डेवलप करती है जिगजैग मैनर में बनती है ये, ठीक है, ऐसे 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 जैसे आपकी प्लांट डेवलप करता है, ठीक है। सो ये ग्रो इन जिगजैग मैनर। सो एट द एपेक्स ऑफ ईच हाइड्रोकोलस इज अ बड विच लेटर डेवलप इन टू पॉलिप। तो आपकी हर हाइड्रोकोलस की एक एपेक्स पे क्या है? एक आपका बड अपियर करती है। वो बड किस में चेंज हो जाती है? बड अपियर करती है वो चेंज होती है किस में? पॉलिप में, ठीक है। तो पॉलिप क्या है? आपकी फर्स्ट फॉर्म है आपकी ओबिलिया की, ठीक है, जो कैसे डेवलप हुई है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि आपका बड क्या है? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो जो आपकी कॉलोनी है वो एंटायर कॉलोनी इंक्लोजेस अ कॉन्टिन्यूस कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रोन, ठीक है। सिलेंट्रोन क्या होती है? आपकी स्पेसिफिक किस में होती है? आपके सिलेंट्रेट्स में होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी सारी अंदर की तरफ पूरी
कैविटी जो है वो इंक्लोज है आपकी पूरी कॉलोनी में, इसको क्या बोला जाता है आपकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, जो कॉलोनी की वॉल है वो कंसिस्ट होती है दो लेयर की, पहली होती है पेरिसार्क, सेकंड होती है कोइनोसार्क। पेरिसार्क की बात करें तो ये पेरिसार्क है, ये आपकी आउटर लेयर है, और कोइनोसार्क जो है वो आपकी इनर लेयर है। ठीक है, अब आउटर लेयर जो है वो बनी किसकी होती है, वो नॉन लिविंग होती है। ठीक है, वो आपकी कोइनोसार्क जो है वो सिक्रीट करती है काइटेनस सिक्रीशंस, उसकी वजह से क्या बनती है आपकी पेरिसार्क की लेयर बनती है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन देना आपकी कॉलोनी को। ठीक है, और ये सपोर्ट करती है हाइड्रोकोलाई को। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जहां पॉलिप डेवलप होता है उसके जस्ट नीचे क्या है, एक सर्कुलर ग्रूव की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, जिसको बोल देते हैं हम एन्यूलाई, जो क्या करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, फिर कोइनोसार जो है वो आपकी इनर लेयर है। ठीक है, और ये क्या होती है, लिविंग होती है, क्यों, क्योंकि ये बनी होती है सेल से। ठीक है, तो कॉलोनी की जो वॉल होती है वो दो लेयर की होती है, पेरिसार जो आउटर लेयर है नॉन लिविंग है, आउटर है नॉन लिविंग है। ठीक है, प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है हाइड्रोकोलस को। वहीं आपकी कोइनोसार जो है वो इनर लेयर है, और आपके लिविंग मतलब सेल्स की बनी होती है। ठीक है, सो अगर हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें ओबिलिया में, तो ये थ्री फॉर्म्स में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राइमॉर्फिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है जॉइड। जॉइड क्या होते हैं आपके, ये होते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक सिलेंड्रेट्स। सो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं आपकी पॉलीमॉर्फिक सिलेंड्रेट्स को, तो उनको एक वर्ड दे दिया है जॉइड। ठीक है, तो इसकी तीन फॉर्म्स की बात करते हैं। तो आपकी पहली फॉर्म है आपकी पॉलिप फॉर्म, जो किससे डेवलप हुई, कॉलोनी में डेवलप हुई है, किससे, बडिंग से। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रेंथस भी बोलते हैं और ट्रोफोजॉइड भी बोलते हैं। ट्रोफोजॉइड क्यों, ट्रोफो से पता लग रहा है कि वो न्यूट्रिशन, तो आपका वो क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन देना कॉलोनी को, और क्या करना है, कॉलोनी को डिफेंस करता है। ठीक है, फिर है आपका सेकेंड जॉइड, जिसको बोला जाता है गोनोजॉइड या फिर ब्लास्टोस्टाइड। क्यों, 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 इसी से आपका डेवलप होता है सर्व टू प्रोड्यूस मेडूसा। तो आपका मेड्यूसा जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी प्रोड्यूस होती है किससे, ब्लास्टोस्टाइल से, और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव जॉइड। तो ये क्या है आपकी, रिप्रोडक्टिव जॉइड है, आगे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रही है। ठीक है, तो अगर थर्ड फॉर्म है आपकी मेड्यूसा, या उसको बोला जाता है गोनोफोर्स। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें है बियर गोनेट्स, तो ये क्या करते हैं, गोनेट बियर करते हैं। गोनेट की वजह से क्या होगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है मेड्यूसा, इसलिए इसको बोला जाता है सेक्सुअल जॉइड। तो आपका फर्स्ट पॉलीफॉर्म को बोला जाता है ट्रोफोजॉइड, सेकेंड ब्लास्टोस्टाइल को बोला जाता है आपका रिप्रोडक्टिव जॉइड, और आपका थर्ड फॉर्म मेड्यूसा को बोला जाता है आपका सेक्सुअल जॉइड। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे फॉर्म पॉलिप के बारे में। आपका पॉलिप फॉर्म क्या है, आपकी डेवलप एट द टिप ऑफ हाइड्रोकोलाई एंड देयर ब्रांचेस। तो कहाँ ये डेवलप करता है, ये टिप पे डेवलप करता है। ठीक है, ये होता है शॉर्ट थिक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी। ठीक है, इसमें प्रोमिनेंट प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं मेन्यूब्रियम या हाइपोस्टोम। ठीक है, तो ये आपका मेन्यूब्रियम है, ये वाला एरिया। ठीक है, इसमें ये मेन्यूब्रियम को ही क्या बोला जाता है, हाइपोस्टोम। ठीक है, सर्कुलर अपर्चर होता है। ठीक है, एक माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मेन्यूब्रियम क्या है, ये आपका शेप कॉनिकल शेप में होगा जब आपका माउथ कॉन्ट्रैक्टेड है। तो ये क्या है, ऐसे कॉनिकल शेप में है जब आपका माउथ क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है। अगर माउथ एक्सपैंड है, खुला हुआ है, तो ये ट्रम्पेट शेप में होगा। ठीक है, इनके बाहर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, 30 नंबर में होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फिलिफॉर्म मतलब थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, और ये सराउंड करते हैं किसको, मेन्यूब्रियम को। ठीक है, अब इसकी लेयर को हम बोलते हैं हाइड्रोथीका। सो वास लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड पॉलिप, तो पॉलिप के आसपास की कवरिंग जो है प्रोटेक्शन दे रही है उसको, वो है हाइड्रोथीका। ये एक्सपेंशन किसकी, आपकी पेरिसार की। पेरिसार क्या थी, आपकी आउटर लेयर थी। ठीक है, और ये ओपन एट डिस्टल एंड, डिस्टल मतलब जो दूर की तरफ एंड होता है उसको हम बोल देते हैं डिस्टल एंड। ठीक है, जो पास में होता है कॉलोनी की तरफ होता है उसको बोल देते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, जो डिस्टल एंड की तरफ से ये क्या है, ये ओपन है ऐसे। ठीक है,
शेल्फ की बात करें तो शेल्फ क्या होता है, इनर सरफेस ऑफ बेस ऑफ हाइड्रोथेका प्रोजेक्ट्स इनवर्ड एज सर्कुलर शेल्फ विद एन अपर्चर इन द सेंटर। तो क्या होता है आपका इनर सरफेस ऑफ, जो आपका हाइड्रोथेका है उसका इनर सरफेस जो है वो अंदर की तरह इनवर्ड मूवमेंट कराता है और एक ऐसा वो बना देता है शेल्फ। ठीक है, ये शेल्फ क्या है, पॉलिप रेस्ट करता है इस शेल्फ के ऊपर। ठीक है, और ये शेल्फ क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस विद कोइनोसार थ्रू अपर्चर। तो इसके बीच में क्या होता है, एक अपर्चर, जिसकी वजह से वो आपका नीचे वाले कोइनोसार के साथ क्या है, कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है, सो ये देख लेते हैं हम, ये है आपका माउथ। ठीक है, ये ट्रांसवर्स, ये आपका मेन्यूब्रियम है। ठीक है, ये आपका टेंटिकल है पॉलिप का। ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। ठीक है, ये आपका बाहर आउटर लेयर एपिडर्मिस है, फिर गैस्ट्रोडर्मिस आपकी इनर लेयर, ये मीसोग्लिया है। ठीक है, और ये देखो ये है आपका शेल्फ। तो आपका हाइड्रोथेका जो है इनर लेयर हाइड्रोथेका की इनवर्ड मूव कर रही है, ये ऐसे आके मूव कर रही है, सेंटर में अपर्चर जोड़ रही है। तो आपका पॉलिप रेस्ट किस पे कर रहा है, आपकी शेल्फ पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये शेल्फ जो है फिर सेंटर अपर्चर कंटिन्यू किसके साथ है, आपका कोइनोसार के साथ कंटिन्यू। ठीक है, सो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की बात करें तो ये ऑफ पॉलिप की बात करें सो ये माउथ ओपन से स्पेशियस कैविटी, माउथ ओपन होता है स्पेशियस कैविटी में जो कि नैरो होती है मेन्यूब्रम में, और फिर वाइड हो जाती है आपकी किसमें, बॉडी में जाके, और ये कम्युनिकेट करती है बाय नैरो पैसेज विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपका नैरो पैसेज कौन सा, सेल्फ वाला। तो इससे किससे, आपकी बाकी बॉडीज के साथ कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेट करती है। ठीक है, फिर हिस्टोलॉजी की बात करें पॉलिप की, तो ये टू लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई है। आउटर लेयर क्यों, टू लेयर मतलब डिप्लोब्लास्टिक है, आपके सिलेंट्रेट क्या होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, सो आपकी एपिडर्मिस जो किससे बनी होती है, आपकी एक्टोडर्म की, और गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर जो बनी होती है आपकी किसकी, एंडोडर्म की, और बीच में क्या होता है, मीसोग्लिया प्रेजेंट होता है जो कि थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन सेलुलर है, और वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें, आपके एपिडर्मिस के सेल्स की और आपके गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स की, ठीक है, और ये बीच में क्या है आपका, मीसोग्लिया। ठीक है, तो इसमें फाइव टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं आपके एपिडर्मिस में, और फाइव ही टाइप के सेल्स होते हैं आपके किसमें, गैस्ट्रोडर्मिस में। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट सेल है आपका, वो है आपका एपिथिलियो मस्कुलर सेल। यही सेम एपिथिलियो मस्कुलर सेल भी किसमें प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोडर्मिस में। तो ये वाले सेल जो है आपकी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप ऑफ सेल की बात करें तो सेकेंड टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट किनको बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स। तो ये भी आपके प्रेजेंट होते हैं दोनों में, एपिडर्मिस में भी और आपके गेस्टोडर्मिस में भी। ठीक है, फिर थर्ड टाइप के सेल की बात करें तो वो है सेंसरी सेल्स, ये भी आपके किसमें, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अगर फोर्थ टाइप के सेल की बात करें तो ये है नर्व सेल्स। ठीक है, ये भी आपके दोनों में प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स भी किसमें, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नर्व सेल देखो आपके इनर, जहां आपके मीसोग्लिया है वहां प्रेजेंट है, ये देखो अंदर। ठीक है, तो जहां मीसोग्लिया स्टार्ट हो रही है एपिडर्मिस के बाद और गैस्ट्रोडर्मिस में, ठीक है, जहां से गैस्ट्रोडर्मिस स्टार्ट हो, मीसोग्लिया खत्म हो रही है, तो वहां आपका नर्व सेल्स प्रेजेंट है। नर्व सेल्स क्या है, आपस में इंटरकनेक्ट है, ये देखो किसके थ्रू, अपने फाइबर के थ्रू। ठीक है, जो फिफ्थ टाइप ऑफ सेल है वो है आपका एपिडर्मिस में निमेटोब्लास्ट। निमेटोब्लास्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सेल है आपका किसका, सिलेंट्रेटा का। ठीक है, और आपका इसमें गेस्ट्रोडर्मिस में जो सेल प्रेजेंट होता है फिफ्थ, उसका नाम है ग्लैंड सेल। ठीक है, तो फर्स्ट फोर सेल जो है वो आपके सेम है आपके एपिडर्मिस में भी और आपके गेस्ट्रोडर्मिस में भी, लेकिन फिफ्थ सेल जो आपका प्रेजेंट है एपिडर्मिस में वो है निमेटोब्लास्ट। ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक सेल है आपका निडेरियंस का, और आपका फिर है इसमें आपके गेस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट है आपका ग्लैंड सेल। ठीक है, चलो अब इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट सेल था आपका गेस्ट्रो एपिथिलियो मस्कुलर सेल, यही आपका एपिडर्मिस में भी है और आपका गेस्ट्रोडर्मिस में भी है। ठीक है, इसको ये आपका लार्ज होता है, कॉलमनर शेप में है, बेस रेस्ट अगेंस्ट मीसोग्लिया। तो ये इधर आपका मीसोग्लिया है, तो इधर बेस रेस्ट करते हैं मीसोग्लिया के अगेंस्ट। आउटर एंड ये देखो, ये आउटर एंड जो है ये ऐसे एक्सपेंडेड होता है, और आपका इधर जो है वो दूसरा सेल होगा। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस बट इंटरप्टेड बाय नीडोब्लास्ट और सेंसरी सेल्स। तो बीच में क्या हो सकता है, वैसे तो कॉन्टिन्यूस रहता है, पर हो सकता है कि बीच में कोई और टाइप का सेल आ जाए। ठीक है, जैसे नीडोब्लास्ट आ गया या फिर आपका सेंसरी सेल आ गया। ठीक है,
और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो छोटे छोटे सिक्रेटेड ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, ये आपकी पेरिसार्क बनाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि पेरिसार्क किसके से बनती है, कोइनो सार्क से। तो कोइनो सार्क क्या आपका लिविंग पार्ट था, लिविंग मतलब आपका यही एपिडर्मिस का पार्ट, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है आपका, पेरिसार्क बना रहा है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, इसमें क्या होते हैं, मसल प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग है, अनस्ट्राइप्ड है, कंटेन मायोफाइब्रिल, ये देख लो ये मायोफाइब्रिल या मायोनियम प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। ये आपके पैरल होते हैं बॉडी एक्सिस, तो ये आपकी बॉडी एक्सिस है और ये आपके ऐसे पैरल होंगे, प्रेजेंट होंगे माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब ये ऑल्टर करता है आपकी बॉडी लेंथ को, तो या तो बॉडी लेंथ को लंबा करेगा एक्सपेंड, या फिर उसको छोटा करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे, और इसमें एक स्पेशल क्या है, टोनो फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके सपोर्टिंग फाइब्रिल्स हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं सेल्स की आपके गैस्ट्रोडर्मिस में बात करें, तो ये भी लार्ज होते हैं, कॉलमनर होती हैं, इनमें क्या होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है फॉर इंजेक्टिंग फूड फ्रॉम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो इनमें क्या होता है, कुछ सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, आपको फूड लेता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से इंजेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स, जो आपके क्या करेंगे, आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपका वैक्यूल प्रेजेंट नहीं था किसमें, एपिडर्मिस के एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स में, लेकिन आपके गेस्ट्रोडर्मिस के वैस्कुलर सेल्स में क्या प्रेजेंट है, फूड ग्रेन्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, ठीक है। और इनमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर लैशिंग मूवमेंट इन कैविटी, तो इस फ्लैजिला की वजह से आपकी मूवमेंट होती है किसमें, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, ठीक है। ऑल्सो इनमें भी प्रेजेंट क्या होते हैं, मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लॉन्ग अनस्ट्राइप्ड फाइब्रिल्स, ये भी कंटेन क्या करते हैं, माइक्रो फाइब्रिल्स या मायोनियम्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी एक्सिस है, तो ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं ये वाले, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर मस्कुलेचर प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर मतलब ये बॉडी की थिकनेस को ऑल्टर करेंगे, ऐसे मतलब या तो उसको मोटा करेंगे या उसको पतला करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये है आपके इंटरस्टिशियल सेल्स, ये हम ये दोनों में सेम होते हैं, स्मॉल है, राउंडेड है, और इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये टोटिपोटेंट होते हैं, मतलब इनकी पोटेंसी है कि वो किसी भी सेल में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इनका मेन फंक्शन है आपके निमेटोब्लास्ट को रिप्लेस करना, ठीक है, कैसे रिप्लेस करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑल्सो गिव राइज टू गैमेट्स, तो ये गैमेट्स भी बना सकते हैं क्योंकि टोटिपोटेंट है ये सेल्स, ठीक है। तो आपका थर्ड टाइप का सेल है आपका नर्व सेल, ये भी आपके दोनों में सेम टाइप का होता है, ये इरेगुलर इन शेप है, ठीक है। एडजसेंट नर्व सेल्स अप्रोच ईच अदर एंड नर्व नेट, मैंने बताया था ना कि ये आपका एक नर्व सेल है, ये आपका नर्व सेल है, तो आपस में किससे, ये आपके नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट नर्व फाइबर, तो ऐसे फाइबर के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, तो पूरा नर्व नेट बनाता है ये, ठीक है। कोई प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है, क्योंकि कनेक्टेड किससे है, ये नर्व फाइबर से कनेक्टेड है। डेवलप बेटर इन टेंटिकल्स, तो ये बेटर किस में डेवलप होते हैं, आपके टेंटिकल्स से, क्योंकि वहीं से क्या आएगा आपका स्टिमुलेट, मतलब वहीं प्रे आएगा या वहीं से स्टिमुलस आएगा, ठीक है। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, तो इनका काम क्या है, आपका इम्पल्स प्रोवाइड करना एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ टाइप के सेल्स की बात करें, तो वो होते हैं सेंसरी सेल्स, ये भी आपके सेम होते हैं एपिडर्मिस में और सेम होते हैं गेस्ट्रोडर्मिस में। तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल बॉडी होती है इनकी, आउटर एंड बियर फाइन सेंसरी ब्रिसल्स, आउटर एंड में क्या होते हैं, सेंसरी ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किससे अराइज करते हैं, आपके काइनेटोसोम से, ठीक है। और इनर एंड इज प्रोलॉन्ग इन टू थिन नोडुलेटेड नर्व फाइबर दैट मीट फाइबर फ्रॉम नर्व सेल्स, तो एक है नोडुलेटेड नर्व फाइबर, तो अंदर की तरफ क्या है, नोडुलेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट है, जो आके जाके किससे मिलेगा, आपके नर्व सेल से मिलता है, ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस प्रोवाइड करना है इसको, तो सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये सेंसिटिव होते हैं आपके एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से, जैसे किसी के साथ कॉन्टेक्ट हो गया, या फिर कोई लाइट का एक्सपोजर हो गया, या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है। अब आता है आपका फिफ्थ टाइप ऑफ सेल्स, ये आपके डिफर करते हैं एपिडर्मिस में और आपके गेस्ट्रोडर्मिस में। तो गेस्ट्रोडर्मिस की बात करें पहले, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स, क्यों, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं या फिर कुछ सिक्रीशंस करते हैं, तो ये फाउंड इन गेस्ट्रोडर्मिस, स्मॉलर देन एपिथेलियो मस्कुलर सेल, उनसे स्मॉलर होते हैं, ये क्या करते हैं, लैक मसल प्रोसेसिंग, में कोई मसल प्रोसेस नहीं होता, जैसे कि आपका एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स में था, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट होते हैं बॉडी में या फिर हाइपोस्टोम में, ठीक है। ये आपके दो टाइप के होते हैं, पहला है म्यूकस ग्लैंड सेल्स, की म्यूकस ग्लैंड सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके हाइपोस्टोम में, वहां क्या करते हैं, सिक्रीट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड,
तो मतलब जैसे हमारी बक्कल कैविटी सिक्रीशन करती है म्यूकस, ठीक है, वैसे यहाँ पे आपका हाइपोस्टोम में म्यूकस ग्लैंड सेल क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं ताकि आपका जो फूड आया है उसकी लुब्रिकेशन हो सके और आराम से इंजेक्ट हो सके, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप के हैं वो है एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल। एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल नाम से ही पता कर लग रहा है कि वो एंजाइम सिक्रिएट करेंगे, तो अदर सिक्रिएटेड डाइजेस्टिव जूसेस इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएशन करते हैं ताकि आपका क्या डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो अगर हम एपिडर्मिस के फिफ्थ टाइप की सेल्स की बात करें निमेटोब्लास्ट की, तो ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है आपकी ओबेलिया के कॉलोनी के बारे में और उसकी फर्स्ट फॉर्म पॉलिप के बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्या नीडोब्लास्ट सेल के बारे में, या फिर निमेटोब्लास्ट भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।